वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हों आपके पास तो उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब वेरिएबल्स हमारे पास एक्सपोनेंट में आ जाए ना, पावर में, तो उन इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 5 की पावर 1 प्लस x, फिर मेरे पास है +5 की पावर 1 माइनस x इक्वल्स टू 26। तो क्या कहते हैं हम अगर इसको इस तरह से राइट करें तो कर सकते हैं कैसे, कि 5 की पावर है 1 प्लस x, तो अगर हम सेपरेट कर दें कि 5 के ऊपर अलग से 1 राइट कर दें, 5 के ऊपर अलग से पार उसकी एक्स राइट कर दें। इसी तरह इसको हम ऐसा कर लें कि 5 के ऊपर 1 माइनस x है ना, तो अगर हम करें 5 के ऊपर जो पार 1 है वो सेपरेट कर दें और 5 के ऊपर पार जो -x है वो सेपरेट कर दें, तो हम कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू 26 है। क्या करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट ये करेंगे 5 की पावर 1 5 ही होता है, ठीक है। और जब भी किसी की पार 1 होती है ना तो वो नंबर ही आ जाता है। 5 के ऊपर x है तो 5 की पावर x यही आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 1 है, ठीक है, वो वहीं पे आ जाएगा। अच्छा, आपने एक और बात याद रखनी है कि जब आप इस तरह से सेपरेट कर रहे हो ना कि हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, तो इनके सेंटर में डॉट आना है। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, क्योंकि इसको आगे हम कहते हैं कि जब इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है। तो इसी तरह जो वो कॉन्सेप्ट होता है ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, तो उसमें ये लॉ होता है कि जब बेस सेम है तो पावर हम ऐड कर देते हैं वन टाइम राइट करके। तो इसी तरह वो पावर ऐड इस तरह से हुई हुई है ना, तो हमने सेपरेट करना है, तो आपने ये करना है कि डॉट लगा देना है, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, ये भी समझ में आ गया, यहाँ पे थे हम कि 5 की पावर 1 है तो 5 ऊपर आ गया, 5 की पावर -x है इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आते हैं, ठीक है, और 26 राइट साइड पे इसको लेफ्ट पे ले आते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा, -26 आ जाएगा। इक्वेशन 1 बन गई। अब क्या करेंगे, अब लेट कर लेते हैं कि 5 की पावर x इधर भी है इधर भी है, क्योंकि इसको इक्वेशन को और हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम यही सोचते हैं कि हम इसको लेट कर लेते हैं, 5 की पावर x लेट कर लेते हैं, y के इक्वल है, ओके। जहाँ पर हमें 5 की पावर x नज़र आएगी वहाँ पे हम y पुट कर देते हैं, ये 5 वैसे आ जाएगा, इसकी जगह हमने कहा y की इक्वल है, ठीक है, y पुट कर देते हैं, प्लस 5 का 5 आ जाएगा, इसकी जगह y पुट कर देते हैं, -26 इक्वल्स टू 0। आगे क्या करेंगे, आगे आप एलसीएम भी ले सकते हो या ये भी कर सकते हो कि y से मल्टीप्लाई करा दो, बिकॉज डिनोमिनेटर में जस्ट इधर y ही है, इसको भी y से, इसको भी y से, इसको भी y से, इधर y से मल्टीप्लाई होगा तो 5y² आ जाएगा, इधर y से टर्म मल्टीप्लाई होगी तो y से कैंसिल हो जाएगा, 5 रह जाएगा, ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 26y रह जाएगा इक्वल्स टू 0। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5y² इधर ही है, अरेंज कर लेते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म ले आते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, y² टर्म पहले, देन y टर्म, देन कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट पे कर देते हैं, बस अरेंज किया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद क्या हो जाना है कि फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन हम इस तरह से करते हैं कि फर्स्ट टर्म राइट कर ली, लास्ट टर्म राइट कर ली, अब -26y की जगह 2 टर्म्स ले लेनी है। यहाँ पे 2 टर्म्स ऐसी लेने की जिनको सॉल्व करो तो ये है, उन्हीं 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो वो है जो इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो इनको जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो साइड पर पहले राइट कर लिया करो, 25y², इसका मतलब है कि आपको सॉल्व करवाने पर -26y चाहिए, और उन्हीं 2 टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25y² चाहिए। तो अगर हम 25y और y ले लें, सॉल्व करने पे -26y भी आ रहा है, उन्हीं को मल्टीप्लाई करने पे जो हमें चाहिए था 25y² वो भी आ रहा है, ठीक है। और आपने करना क्या, जो 2 टर्म्स लेंगे बड़ी टर्म पहले लिख लो, छोटी टर्म बाद में राइट कर लो, और जो साइन इधर है वो बड़ी टर्म के साथ राइट कर लो, इसके साथ एडजस्ट कर लो, अगर प्लस करते हैं तो वो तो माइनस होकर 24 होगा, हमें तो 26 चाहिए, इसका मतलब इधर भी माइनस ही आना। फिर क्या करना, 4 टर्म्स आ गए, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 5y ले लेंगे, बिकॉज इधर ये भी है ये भी डिवाइड होता है, 5 कॉमन ले लिया तो वाई रह गया, -5 कितने टाइम 25 होता है, 5 टाइम y तो कॉमन आ गया, माइनस जब कुछ कॉमन नहीं आता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लिया, बाय माइनस अंदर साइन भी चेंज हो जाना आ गया, ठीक है, 1 कॉमन ले लिया तो y रह गया और 5 रह गया, बाय माइनस अंदर साइन चेंज होके माइनस से प्लस हो गया और प्लस से माइनस हो गया, और इन दोनों का सेम आना ब्रैकेट में ज़रूरी है, ठीक है, सेम आ गया तो इसका मतलब है, ठीक है, यहाँ तक। फिर क्या करना, इन दोनों को जॉइन करके राइट कर लेना 1 ब्रैकेट में 5y-1, और ये दोनों सेम है तो 1 टाइम इसको 1 टाइम ब्रैकेट में राइट कर लेना y-5, ठीक है, इस तरह से राइट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ, 5y-1 ब्रैकेट में और 1 ब्रैकेट में y-5, दोनों इक्वल टू 0। ओके, यहीं पर है जो मैं आपको बोल रही थी कि इन दोनों को जॉइन करके राइट कर लिया 1 टाइम, ये दोनों सेम है 1 टाइम राइट कर लिया, दोनों इक्वल टू 0 है तो y-5 को भी इक्वल टू 0 राइट कर देना और 5y-1 को भी इक्वल टू 0। आगे इनको ही सॉल्व करते हैं, ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, y इधर ही रहेगा
फाइव उधर जाके राइट साइड पे पॉजिटिव फाइव हो जाएगा, और ये कैसे होगा, फाइव वाई इधर ही रहेगा, नेगेटिव वन उधर जाके पॉजिटिव वन हो जाएगा, फिर फाइव भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखना, ये जो मैंने बोला था पहला तो वही हो गया, इधर फाइव वाई पहले इधर आ गया, वन उधर चला गया तो फाइव भी उधर जाके फिर डिवाइड हो गया, तो वन बाई फाइव आ गया। वाई की वैल्यू हमारे पास फाइव आ गई और इधर वन बाई फाइव आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लेट किया था ना वो पुट करते हैं। हमने ये लेट किया था ना कि फाइव की पावर एक्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर भी फाइव की पावर एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, तो फाइव की पावर एक्स आ गई इक्वल टू वाई, तो वाई का पहले आंसर फाइव है, तो वो देखते हैं क्या आना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और एक हमारे पास वाई की वैल्यू आई है वन बाई फाइव। ठीक है, हमने क्या करना है कि फाइव की पावर एक्स इक्वल टू वाई है ना, तो फाइव पावर एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई की जगह क्या पुट कर देना है, वन बाई फाइव। मतलब फाइव को अगर हम वन बाई फाइव ऊपर ले आएँ तो फाइव की पावर नेगेटिव वन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वन है ना, पावर ऊपर ले आएंगे तो नेगेटिव वन हो जाएगी। हमने ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है कि बेस कैंसिल हो जाए, जैसे इधर कैंसिल हो रही है, फाइव फाइव से कैंसिल हो गई और एक्स इक्वल टू वन रह गया, बेस कैंसिल हो गई तो एक्स इक्वल टू नेगेटिव वन रह गया। सोल्यूशन सेट में राइट कर दो इसको, वन ही आया ना, प्लस माइनस इस तरह से राइट कर देंगे। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, मैं दिखा देती हूँ। ये सिंपल है, अगेन बता देती हूँ कि हम इसको पहले किया कि फाइव की पावर वन प्लस एक्स है और फाइव की पावर वन माइनस एक्स है, तो हम इसको अगर अलग अलग पावर कर दें और सेंटर में डॉट डॉट इस तरह से राइट कर दें तो हम कर सकते हैं, यस। फिर हमने ये किया कि पावर वन थी तो फाइव ही आ गया, ठीक है, ये ऐसे ही आ गया, ये ठीक है, इधर है ये नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव करने के लिए इस तरह से लिया है, ये इक्वेशन आ गई। फिर फाइव की पावर एक्स इधर भी नज़र आ रहा है, इधर भी आ रहा है, हमने कह दिया कि इसको लेट कर लेते हैं वाई के, इधर फाइव है इसको वाई, प्लस फाइव है वाई माइनस 26, फिर वाई से मल्टीप्लाई करा दिया हर टर्म को, तो वो ये बन गई। फिर फैक्टराइजेशन की, देन फिर मैंने आपको सारा बताया, फैक्टराइजेशन पे और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, मैंने चेक कर सकते हो। फिर यहाँ तक हमारे पास ये हुआ कि आई दोनों इक्वल टू जीरो थे और वाई की टू वैल्यूज़ आ गई। जब वाई की टू वैल्यूज़ आ गई तो फिर हमने पुट कर दिया कि जो लड़ किया था फाइव की पावर एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई की एक वैल्यू आई फाइव और एक वैल्यू हमारे पास आई ये वन बाई फाइव है, तो नेगेटिव फाइव, फाइव की पावर नेगेटिव वन, बेस कैंसिल होगी, पावर ही एक्स इक्वल टू नेगेटिव वन, जब बेस कैंसिल हो जाती पावर इस तरह से नीचे आ जाती और आंसर हो जाता। होप सो चीज़ें समझ आया होगा, बहुत सारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जिन पर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है खुद सॉल्व करके, वो भी आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक।